एक तरफ हमास और इसराइल के बीच जंग जारी है, दूसरी तरफ ईरान और इसराइल में भी तनाव है। इस बीच भारत और ईरान के बीच बड़ा समझौता हुआ है। इस समझौते ने अमेरिका और इसराइल दोनों की नींद उड़ा दी है। ईरान के चाबहार में शाहिद बेहश्ती पोर्ट को भारत ने 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है। भारत और ईरान के बीच ये डील 13 मई को हुई। अब पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। भारत को इसके जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए नया रूट मिल जाएगा। पाकिस्तान की जरूरत खत्म हो जाएगी। भारत ईरान के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इससे उसे मध्य एशिया के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये बंदरगाह 7200 किलोमीटर लंबी है। इसके जरिए भारत ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई की जाएगी। ईरान का चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी में मौजूद है। हरमुस खाड़ी पर स्थित होने का सामरिक महत्व है। ये गुजरात के कंडला पोर्ट से 1016 किलोमीटर दूर है, जबकि मुंबई पोर्ट से 1455 किलोमीटर की दूरी है। चाबहार और पाकिस्तान के गवादर के बीच 140 किलोमीटर की दूरी है। मई 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की ईरान यात्रा के दौरान भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर यानी चाबहार समझौता स्थापित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ईरान के सहयोग से शाहिद बेहश्ती टर्मिनल चाबहार बंदरगाह के पहले चरण पर काम कर रहा है। चाबहार विदेश में लीज पर लिया गया भारत का पहला पोर्ट है। ये पोर्ट भारत और अफगानिस्तान को व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ता मुहैया कराएगा। डील के तहत भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL चाबहार पोर्ट में $120 मिलियन का निवेश करेगी। चाबहार पोर्ट के समझौते के लिए भारत से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को ईरान भेजा गया था। भारत और ईरान दो दशक से चाबहार पर काम कर रहे हैं। भारत दुनिया भर में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। चाबहार पोर्ट इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। भारत इस पोर्ट की मदद से ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ सीधे व्यापार कर सकता है। ईरान और भारत ने 2018 में चाबहार पोर्ट तैयार करने का समझौता किया था। भारत और ईरान के बीच की ये डील अमेरिका पसंद नहीं करता है। वो शुरू से ही इसका विरोध करता रहा है और अब एक बार फिर उसने चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापारिक सौदे करने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाए जाने का संभावित खतरा है। अमेरिका के इस बयान पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पूरे क्षेत्र को लाभ होगा। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका ने खुद अतीत में चाबहार की व्यापक प्रासंगिकता की सराहना की थी। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर आप चाबहार बंदरगाह के प्रति अमेरिका के रवैये को देखें तो अमेरिका इस तथ्य की सराहना करता रहा है कि चाबहार की व्यापक प्रासंगिकता है। हम इस पर काम करेंगे। 2003 में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का प्रस्ताव रखा था। तब अमेरिका ने संदिग्ध परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके चलते बंदरगाह के विकास का काम धीमा पड़ गया था। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार में शामिल 3 भारतीय कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ये कंपनियां जेन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सी आर्ट शिप मैनेजमेंट हैं। भारत और ईरान के बीच ये महत्वपूर्ण समझौता ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ईरान और इसराइल के बीच तनाव चरम पर है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।